हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से मैंने अपने गार्डन का जो है कोई वीडियो नहीं निकाला था, पूरे गार्डन का ओवरव्यू नहीं दिया था आप लोगों को, तो आज मैं देना चाहती हूँ। चलिए बनियान ट्री बरगद के पेड़ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था कि ये हमारा बरगद का पेड़ है और इसको लगाना फ्रेंड्स बहुत आसान है। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और आप देखिए इसको आप बोनसाई बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर जड़ें लग रही हैं, ये देख सकते हैं आप, मतलब कितनी ज़्यादा इसकी जड़ें निकल गई हैं। तो बोनसाई बहुत जल्दी ये बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कटिंग लगाते हैं तो भी अपने आप में ये जड़ें जो है निकलने लगती हैं और बहुत हार्ड है। ये देखिए कई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो और हमारे उधर अभी बारिश नहीं हुई इसलिए कुछ पत्तियां इसकी बर्न हो रही हैं, तो ये पत्तियां मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत सुंदर प्लांट हमारा तैयार हो गया है। इसे आप और ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, महीने में एक बार आप कोई भी फर्टिलाइजर दे दोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। और ये इधर हमारा गुड़हल का प्लांट है जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत पुराना प्लांट है, इसमें भी आप महीने में एक बार फर्टिलाइजर दे सकते हैं या जब फ्लावरिंग हो रही है, कल छोटी छोटी कलियां आ रही हैं उस समय आप हल्का फुल्का फर्टिलाइजर दे सकते हैं जड़ों के किनारे किनारे। और इधर ये हमारा कनेर का प्लांट है, आप देख सकते हैं पीले रंग का कनेर, आजकल फूल नहीं खिल रहे हैं। और ये हमारा व्हाइट कलर का कनेर है, ये देखिए बहुत घना प्लांट हो गया है, इक्का दुक्का कहीं कहीं फूल खिल रहे हैं। और ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी तब हमने वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये देखिए इधर मदार का पेड़ लगा हुआ है, और वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा बम फोड़ना, अभी हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारा गुलाबी कनेर है जो ये फ्लावरिंग दे चुका है और अभी इसमें जो है फूल नहीं आ रहे हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा जो एक बोगन बेलिया का प्लांट था, तो अब देखिए फ्रेंड्स पहले इसमें ऑरेंज आते थे फ्लावर, अभी इसमें पिंक कलर के फूल आ रहे हैं, है ना, प्राकृतिक नज़ारा एक अनोखा। ये देखिए और बड़ा ही अच्छा लगता है जब ये प्रकृति के नए नए रूप देखने को मिलते हैं। इसकी पत्तियों का कोई बदलाव नहीं है, पत्तियां तो इसकी सेम है, देखिए ऑरेंज कलर मतलब पैरेट कलर की, लेकिन फूलों में चेंजिंग आ गई है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत दिनों से लगा है हमारे गार्डन में, ये देख सकते हैं। इसमें भी हम महीने में एक बार फर्टिलाइजर देते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं देते हैं। और ये हमारा एस्पेरिगस का प्लांट है, ये देख सकते हैं कितना घना और कितना बुशी और कितना हरा। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है ये, सो फ्रेंड इसे बहुत ज़रूर लगाएं। और इसमें जब ज़्यादा पुराना प्लांट हो जाता है तो छोटे छोटे फूल निकलते हैं, और इसे भी 2-3 महीने में अगर आप हल्का फुल्का फर्टिलाइजर दे देते हैं तो भी बहुत अच्छा चलता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बोमफोड़ना के फूल इसमें डाले थे, तो ये देखिए उनसे जो है ये छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बोमफोड़ना को अगर आप इसके जो फूल होते हैं उनसे भी आप ग्रो जर्मिनेट हो जाता है ये, और कटिंग से भी लग जाता है ये, दो कलर में आता है, व्हाइट कलर और पिंक कलर। और इधर हमारा ये देखिए प्लांट हमारा चंपा में फ्लावरिंग आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, और बहुत घना प्लांट हो गया है, बहुत दिन का प्लांट नहीं है। अब ये थोड़ा सा घना होने के कारण मुझे डर लग रहा है कहीं टूट ना जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको उस तरफ घुमा देती हूँ ताकि ये बाउंड्री के किनारे जो है सपोर्ट में रहे। ये देखिए अब इसको मैंने सपोर्ट में कर दिया है ताकि अगर तेज हवा चले तो ये इसको जो है
गिरे नहीं, ये देख सकते हैं आप, और बहुत अच्छा प्लांट है ये। इसे भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होता है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस प्लांट को थोड़ा आगे कर रही हूँ ताकि हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना पहुँचने पाए। देखिए कितना सुंदर फूल निकल रहा है और काफ़ी फ्लावरिंग दे चुका है, जिसका वीडियो मैंने डाला भी है। और फ्रेंड्स इधर आपको दिखाते हैं, ये हमारा दूसरा बोगनवेलिया, ये देखिए। इसमें जो है सर्दियों के समय मिक्स फूल आते हैं फ्रेंड्स, व्हाइट कलर के और पिंक कलर के। लेकिन देखिए इस बारिश के सीजन में व्हाइट कलर का नाम नहीं है, आप देख सकते हैं, ये देखें व्हाइट कलर नहीं है, पूरा पिंक कलर खिला हुआ है। ये देखें पूरा जो है पिंक कलर, किसी भी टहनी पे व्हाइट कलर का फूल नहीं है, ये देख सकते हैं। और बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। इसे भी मैंने जो है महीने में या डेढ़ महीने दो महीने में हल्का फर्टिलाइजर देती हूँ। और ये हमारा मनोकामनी का प्लांट, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाला था और बहुत फ्लावरिंग कर रहा था, अभी तो इक्का दुक्का, ये देखिए थोड़े थोड़े फूल कहीं कहीं पे आ रहे हैं, वो फूल निकल चुके हैं। और इसको भी आप जो है महीने में एक बार दे सकते हैं फर्टिलाइजर, ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर फूल लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने सोचा आज एक वीडियो डाल देते हैं। और ये इधर नागदोई, ये देखिए, इसके हमारे पास दो वैरायटी हैं और तीन प्लांटरों में लगा हुआ है, बहुत ही घना है, ये देखिए पूरा। इसकी कटिंग मैं कई कई बार कर देती हूँ लेकिन अभी नहीं किया है, इसलिए काफ़ी बुसी हो गया है। अब इसी कटिंग किसी दिन मैं करने वाली हूँ। तो ये इधर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है उसकी, ये बिंका की, वाइट कलर के बिंका। और आगे ले चलते हैं आपको, ये देखें इधर, ये हमारा समी का वृक्ष है, ये देख सकते हैं आप, ये समी का प्लांट है जो बहुत ही नन्ना पौधा हम लेकर के आए थे और आज देखिए कितना बड़ा हो गया है। और इधर नीम और कनेर, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए नीम और कनेर, ये स्टेम हमारे कनेर की है ये वाली, और ये स्टेम हमारे नीम की है। तो दोनों को कैसे हम अलग करें, ऐसा हमने जब ये प्लांट छोटे थे तभी कर देना चाहिए, लेकिन अब हम सोच भी नहीं सकते कहीं करने से हमारे प्लांट सूख न जाए, इसलिए हमने दोनों को एक ही साथ रख रखा है, एक बहुत बड़ी बाकेट में लगाया हुआ है। और ये देखिए कितने सुंदर सारे फूल खिल रहे हैं जो मैं आज तोड़ूंगी और चढ़ाऊंगी। आज सावन का सोमवार भी, तो इसी वजह से मैं इन फूलों को तोड़ करके अपने शंकर जी पे चढ़ाऊंगी। और फ्रेंड्स शंकर जी के ऊपर समी की पत्ती भी चढ़ाना चाहिए, तो मैं आज समी की पत्ती भी तोड़ूंगी, बहुत अच्छा होता है। ये देखिए और फ्रेंड्स ये हमारा है उसका, आप जाने के किस चीज़ का प्लांट है, जेट प्लांट है। देखिए आप कितना कितना बड़ा हो गया है, देखिए ये तो हमारे बराबर हो गया है, देख सकते हैं आप, ये देखिए और बहुत बड़ा जैसे पेड़ नुमा हो गया है। और मैंने कहीं ये गिर न जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए इस तार से मैंने इस पोल पर बांध रखा है, क्योंकि हमारे गार्डन का सबसे बेस्ट प्लांट है जो मैं आपके बीच शेयर करना चाहती थी। सो फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैं अब वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से कुछ अगर आप सीख सकते हैं तो मैं अपने आप को बहुत
धन्य समझूंगी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।